लैपटॉप की रिसर्च दिन हफ्ते महीना ले जाती है। हमने इस वीडियो में आपके लिए 6 दिन की रिसर्च को 6 मिनट से भी कम में समराइज करने की कोशिश की है। जहां आपको लगे इन्फो ज्यादा है वहां पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा आराम से। हम कवर करने वाले हैं 30,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक का लैपटॉप, एंड इस वीडियो में एक्चुअल यूजर रिव्यूज भी मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग विद बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 रुपीज। सिंपल है, अगर आप स्टूडेंट हो या फर्स्ट टाइम बायर हो देन दिस वन इज फॉर यू। इस कैटेगरी में एक्सीड करता है एसर एक्सटेंसा 15। ओके, इसमें आपको मिलता है AMD Ryzen 57520U जो कि जनरली 40-45K वाले लैपटॉप्स में आपको मिलता है। ये 35,000 रुपए तक का लैपटॉप था, लेकिन अब ये धीरे धीरे 30K के पास आ रहा है। आप थोड़े बैंक ऑफर्स लगाओगे तो 30K से नीचे भी जा सकता है। इसके प्रोज एंड कॉन्स हमने सामने लिख दिए, ये कोई टेपेओ नहीं है, रिसर्च प्रोज एंड कॉन्स है। सो सिंपल टर्म्स में बताऊं, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको वेब ब्राउजिंग करनी है, नेटफ्लिक्स करना है और हल्की फुल्की गेमिंग करनी है, बहुत हल्की, तो ये लैपटॉप आराम से संभाल लेगा। हमने GTA 5 टेस्ट की, चल जाती है अराउंड 50-55 FPS पे, 1 घंटा खेली, मक्खन चली, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन गेमिंग में ज्यादा पंगे मत लेना, मदरबोर्ड की भी थोड़ी इज्जत है ना, प्रोसेसर को इतना भी गर्म मत होने दो कि उस पे ऑमलेट बनने लगे। अब यूजर रिव्यूज की बात कर लेते हैं जो ऑनलाइन लोगों ने डाले। टाइप सी चार्जिंग है, 512 की SSD है जो इस रेंज में नहीं मिलती है। दो बुरी बात, ये चार्जर दूसरी कंपनी का देते हैं, स्पीकर की वॉल्यूम थोड़ी लो है। ओके, मूविंग ऑन, बेस्ट लैपटॉप अंडर 40,000 रुपीज। 40,000 में ऑप्शन बढ़ जाते हैं। इसमें HP, Dell, Asus आपको धीरे धीरे बेसिक लैपटॉप्स मिलने लगेंगे, वो ट्रस्टवर्दी कंपनीज हैं, आप जा सकते हो अगर आपको लेना है। हमने दो मॉडल शॉर्टलिस्ट किए, MSI Modern 14 और Infinix Y4 Max। ओके, पहला ऑप्शन है MSI Modern 14 जो आता है Ryzen 57530U प्रोसेसर के साथ, 37,990 रुपीज में इन्होंने 14 इंच के मिलिट्री ग्रेड फॉर्म फैक्टर में इस पूरे लैपटॉप को पैक किया है। 512 GB की SSD मिलती है, USB 3.2 विद चार्जिंग मिलता है, MS Office मिलता है which is a thumbs up for students, teachers, जो भी लैपटॉप लेना चाहते हैं, and ये सब पैक होता है 1.4 kg में। So, एक हाथ में अगर लैपटॉप उठा सकते हो तो भाई पोर्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बट मैं इसका 16 GB वेरिएंट रेकमेंड करूंगा ताकि थोड़ा लंबा चला पाओ लैपटॉप। ये है इसके प्रोज एंड कॉन्स, ये हमने खुद रिसर्च करी है तो ध्यान से आप इसको पढ़िएगा। रिव्यूज में आपको फटाफट बता देता हूँ जो यूजर ने दिए हैं। एंटी ग्लेयर है इसमें तो आंखों पे थोड़ा सा कम नुकसान होगा ऐसा मानते हैं। ओके, इसका रैम एंड स्टोरेज अपग्रेडेबल नहीं है, एंड इसमें भी कंपनी का चार्जर नहीं मिलता है, थर्ड पार्टी चार्जर है। अब आ जाते हैं इसी रेंज में सेकंड ऑप्शन पे, Infinix Y4 Max। ओके, ये Infinix का Y सीरीज का लेटेस्ट लॉन्च है जिसमें आपको 13th generation i5-1335U प्रोसेसर मिलता है, 16 GB की LPDDR4X रैम है, एंड स्क्रीन साइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 इंच की फुल HD 1080p डिस्प्ले आपको मिलता है, फुल मेटल बिल्ड है। वही MSI मॉडर्न का प्लास्टिक बिल्ड था, वो मिलिट्री ग्रेड वाला जो मैं बताने वाला था वो प्लास्टिक बिल्ड है बस। ये लैपटॉप हमारी रिसर्च के टाइम था 43,990 का, अगर आप बैंक ऑफर्स वगैरह लगाओगे तो 40K के अराउंड का आपको पड़ेगा। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस लैपटॉप, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। इस लैपटॉप के लिए नेगेटिव रिव्यूज हमें देखने को नहीं मिले, बहुत कम रिव्यूज थे बट ऑल वर पॉजिटिव। ओके, मूविंग ऑन, बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 रुपीज। तो जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे ऑप्शंस और बढ़ते जाते हैं, तो अब थोड़ा ट्रिकी होने वाला है। ओके, इस कैटेगरी में मैं रेकमेंड करने वाला था Asus ZenBook 14X OLED जो कि 51-52K के अराउंड प्राइस था, बट ये बहुत टाइम से आउट ऑफ स्टॉक है। दिस लैपटॉप इज अ वेरी गुड चॉइस, लेकिन अभी जो मैं रेकमेंड करने वाला हूँ वो है Lenovo IdeaPad Gaming 3, क्योंकि इसमें आता है लेटेस्ट Ryzen 57535HS प्रोसेसर, 16 GB की DDR5 रैम आपको मिलती है, 512 GB की NVMe SSD, एंड नॉट ओनली दिस, इसमें आपको एक डेडिकेटेड RTX 2050p मिलता है जिसका मैक्स TGP है 70W, 15.6 इंच की स्क्रीन है, 120Hz का डिस्प्ले। ओके, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, हमने इसको 50,000 के अंडर की कैटेगरी में रखा है बट इसका एक्चुअल प्राइस 54990 है जब हम ये वीडियो बना रहे थे। बैंक ऑफर फेस्टिवल ऑफर्स के बाद आपको 51,000 के करीब करीब पड़ सकता है। ओके, कॉन्स के बारे में बात करूंगा, सिंस ये गेमिंग लैपटॉप है वहीं आपका वजन 2.3 kg हो जाता है, एंड दूसरा 120Hz की स्क्रीन तो है लेकिन पीक ब्राइटनेस सिर्फ 215 nits की आपको मिलती है, एंड गेमिंग लैपटॉप तो बैटरी लाइफ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 60,000 रुपीज, इसमें मैं आपको 3 लैपटॉप के बारे में बताऊंगा, बेस्ट फॉर गेमिंग, बेस्ट फॉर प्रोफेशनल्स एंड बेस्ट ओवरऑल लैपटॉप। आप ओवरऑल पे ही जाओगे बट क्विकली
पहले दो के बारे में बता देता हूँ। ओके, बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग है लेनोवो LOQ, जो कि आता है पावरफुल i5-12450H सीरीज प्रोसेसर के साथ। 4GB का RTX 2050 ग्राफिक कार्ड आता है, जो कि मैक्स आउट होता है 70W में। ओके, ये लैपटॉप वो सारी इंप्रूवमेंट्स लेकर आता है जो IdeaPad Gaming 3 में रिक्वायर्ड है, जैसे 350 nits की IPS स्क्रीन विद 144Hz रिफ्रेश रेट। ठीक है, बाकी ये सारे इसके प्रोज, ये सारे इसके कॉन्स। यूजर रिव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। किसी ने लिखा था 40% रैम खा जाती है विंडोज ही। कोडिंग के लिए बहुत बढ़िया लैपटॉप है, कोडिंग वाले सारे सॉफ्टवेयर्स अच्छे से रन करते हैं। नाउ कमिंग टू बेस्ट लैपटॉप फॉर प्रोफेशनल्स, गैलेक्सी बुक 2 प्रो ईवो। देखो, ऑफिस गोअर्स की मेन टेंशन क्या होती है, हल्का सा लैपटॉप हो बट बढ़िया बैटरी दे, ईमेल जीमेल्स का काम हो जाए, PPT अच्छे से रन हो जाए, दिस लैपटॉप इज फॉर यू गाइस। सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 प्रो, जो की i5-12400P सीरीज प्रोसेसर के साथ आता है एंड इंटेल ईवो का सर्टिफिकेशन भी है। 16GB की फास्ट DDR5 रैम है, 512GB की NVMe स्टोरेज है। मजे की बात, एक्सपेंडेबल स्टोरेज है, 2TB की NVMe SSD को एक्सपेंड कर सकते हो या फिर 2TB का माइक्रो SD कार्ड, दोनों का सपोर्ट है। 2022 में लॉन्च हुआ था 1,00,000 से भी महंगा, बट अब ये 62-63,000 का आपको आराम से मिल जाएगा। ऑफर्स लगाओगे, थोड़ा स्मार्टली परचेस करोगे तो 58K तक भी जा सकता है। यूजर रिव्यूज ने हमें बताया हीटिंग इश्यूज फेस हो रहे हैं। अगेन बहुत सारी रिसर्च लगी, हमने शॉर्टलिस्ट किया है Asus VivoBook Pro को, जिसमें 15 इंच की OLED स्क्रीन है। ये क्रिएटर्स के लिए अगर एडिटिंग टास्क करते हैं आप, बहुत यूजफुल है, क्योंकि OLED स्क्रीन्स आपको कलर्स एक्यूरेट दिखाती है। इसमें आपको मिलता है Ryzen 5 5600HS, जो कि 16GB रैम के साथ आता है, 512GB की SSD आपको मिलती है एंड स्टोरेज इन टर्म्स ऑफ GPU आपको मिलता है RTX 2050 कॉन्फिगर्ड एट 70W। 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले मिलता है, लेकिन 60Hz डिस्प्ले ही है। सपोर्ट फॉर HDR मिलता है, अप टू 600 nits पीक ब्राइटनेस है एंड ये सब पैक किया है एल्युमिनियम डिजाइन में सिर्फ 1.8 kg में। ये सारे पोर्ट्स आपको इसमें मिलते हैं, ये इसके प्रोज हैं, ये इसके कॉन्स हैं। डेडिकेटेड GPU है, फेयरली पावरफुल CPU आपको मिल रहा है, OLED डिस्प्ले है, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट है, ये सब अंडर 60,000 rupees एंड त्योहारों के टाइम, डील्स के टाइम ये हमने 55,000 तक भी जाता हुआ देखा। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वीडियो को छोटे में पैक करना, मानता हूं। सो ये थे अंडर 60,000 के शॉर्टलिस्टेड लैपटॉप्स। 60,000-1,00,000 की रेंज में कौन से हैं हमारे शॉर्टलिस्टेड लैपटॉप्स, अगली वीडियो आने वाली है। कुछ मिस हो गया तो कमेंट्स में आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू फार टेक्नीशियन। सब्सक्राइब कर लेना, वरना क्या होता है ना, सर्च पे जाना पड़ेगा, फार टेक्नीशियन पूरा टाइप करना पड़ेगा। टेक्नीशियन की स्पेलिंग आती है तो फिर ठीक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।